वादा किए हैं पूरा नहीं किए हैं, इसलिए इस बार कुमार सिंह को बाहर किया जाएगा। सांसद का भी नहीं है चुनाव के बाद। हाँ, चुनाव जीते खीती आए। हाँ। चुनाव जहाँ हो गया तो फिर के आओ बने, जब दूसरा राउंड पुन के आवा चुनाव तब पुन मतलब शुद्ध की ही ना आएगी। अब बाकी यहाँ का है कि फिर के आवा जहाँ कहें कहाँ विकास है, कहाँ वादा कया है, कहाँ कया है, कहाँ करे कहे, कोई मतलब नहीं। डॉक्टर से वगैरह क्यों नहीं है, इसके बारे में क्या जानकारी? इस जानकारी तो नहीं है साहब, मान ली डॉक्टर ज्वाइन है लेकिन आमा ही नहीं ज्वाइन है आदेश। हाँ, हफ्ता में एक आध दो दिन ना कई नहीं आमा एक दिन हफ्ता में जानी था। मेन शिक्षा के बारे में कौनो स्कूल हाई स्कूल ही ना उभर कर लागत नहीं है। वादे किए जाते हैं वो एक भी वादे आके सांसद लोग पूरा नहीं करते। जब चुनाव आता है तो भाषणबाजी भर करते हैं, केवल बस हो गया, भाषणबाजी करके चले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम सीधी जिले में मौजूद हैं और जिस ग्राम पंचायत में हम इस वक्त यहाँ पर हैं, तो इस ग्राम पंचायत को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया था। ये ग्राम पंचायत है करवाही, सीधी जनपद क्षेत्र पे ही आती है। तो करवाही को सांसद रीति पाठक के द्वारा गोद लिया गया था। ये कितने वर्ष पहले की बात है? दसवां वर्ष पहले पहली बार का है। तो जैसे कि आदर्श ग्राम योजना के तहत जो गाँव चुने गए थे, तो उन गाँवों में विकास के नए सोपान गढ़ने की बातें कही गई थी, विकास के नए मानक स्थापित करने की बातें कही गई थी, शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल्स बनाने की बात की गई थी, रोजगार के सृजन की बात की गई थी, बहुत सारी चीज़ें योजनाओं के बारे में कहा गया था। तो इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई और गाँव का मुख्य तौर पर विकास कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम से 18 किलोमीटर रोड बनने के लिए कहा गया था कि इस ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 18 किलोमीटर रोड है, हैं वो पूरी डामरीकरण हो जाएगी, पूरी सब बन जाएगी, लेकिन एक भी रोड नहीं बनी अब, बल्कि काम चालू हो रहा है ये भी रोड बनने के लिए, और पर उस समय पर कोई काम नहीं हुआ। नल जल योजना आज तक ठप है। यहाँ पर ये जो लगे थे ये स्ट्रीट लाइट के लिए पूरा यहाँ से वहाँ तक के लिए था, कोई भी नहीं, चार पांच यहाँ पे लगी थी वो भी बंद पड़ी है, वो भी नहीं संचालित। नल जल स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना यहाँ पर थी लेकिन अब वर्तमान में वो बंद हो चुकी है। बंद है लाइट जो लगी भी थी ना, चार पाँच यहाँ पे लगी थी वहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी बंद हो गई, अब उसको कोई देख रेख करने। सांसद और विधायक तो पहले भी चुने जाते रहे आपके क्षेत्र में, तो जब ये इस गांव को जब तक गोद नहीं लिया गया था, तो पहले और आज की तुलना में हम जब करते हैं तो विकास ज्यादा हुआ है गोद लेने? नहीं नहीं, कोई विकास नहीं। क्या विकास है? विकास है कि स्कूल बनी तो पहले का टेंडर था। हाँ। पहले का टेंडर था वही स्कूल बन गई। हाँ। जो हाई स्कूल बनी है वो पहले का टेंडर था। एक ये जो है कन्या आश्रम का वो छात्रावास है वहाँ पे बना है लड़कों वाला, वो छात्रावास उनके समय में बना जरूर है लेकिन उससे पहले ही काम चालू था उसमें, तो उनका कहाँ पे भूमिका रहा? हाँ, तो इनके कार्यकाल में फिर क्या क्या चीजें हुई इस ग्राम पंचायत काल में? कुछ नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, जितना वादा करके गए तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या वादे किए गए थे? वादे वही सबसे पहले के रोड पानी है और बिजली, तो ये उपलब्धि कराएंगे, तो रोड तो बनी नहीं उनके कार्यकाल में, बिजली तो पहले से ही स्थापित थी, बिजली पहले से स्थापित थी, बिजली की कोई बातें नहीं हुई। अब ये नल जल योजना है तो आज तक कभी संचालित ही नहीं हुआ, पानी अभी घर घर नहीं पहुँचा, टंकी बन गई, टंकी एक बनी है वहाँ पे, तो उससे सप्लाई उधर कहते हैं कि होता है लेकिन हमारे तरफ बिल्कुल जहाँ जिस तरफ घनी आबादी है वहाँ कोई पानी का सुविधा नहीं। कितनी आबादी वाले ये गांव होगा? ये वोटर के हिसाब से लगभग 2000 करीब, 2500 3500 के करीब होगा, 5000-6000 आबादी 5000-6000 की है। उप स्वास्थ्य केंद्र भी है इस गांव में? स्वास्थ्य केंद्र है, इलाज वगैरह डॉक्टर वगैरह आते हैं? हो गया है, कोई एक नर्स जैसे आती है तो इस टाइम आई तो एक नर्स रात में आई, बस इसी तरह से चल रहा है, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है कि यहाँ कर कोई डॉक्टर पदस्थ है, डॉक्टर कोई पदस्थ नहीं। हफ्ते में या महीने में किसी दिन आते जाते हैं या फिर डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर नहीं आते,
जो सामान्य इलाज है तो यहाँ पर होता है, उसके बाद फिर डिलीवरी केंद्र है तो डिलीवरी होती है, तो वही नर्स लोग रहती हैं जो दो, एक दिन में ड्यूटी करती हैं, एक नाइट में करती हैं। मान लीजिए जैसे डिलीवरी केसेस के लिए आप बात कर रहे हैं, तो अगर मेजर कोई डिलीवरी केस हो गया तब तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती होगी इस गाँव वालों। हाँ, जैसे मान लीजिए अब वो उसमें है तो उसमें दो है नर्स ना, एक दिन में ड्यूटी करती है, एक नाइट में ड्यूटी करती है, तो उनमें ज्यादा परेशानियां नहीं पड़ती हैं। लेकिन बिना डॉक्टर के डिलीवरी केस भी करना, ये डॉक्टर नहीं है, सिर्फ नर्स हैं दो, एक एक सुबह टाइम मतलब दिन में रहेगी ड्यूटी करेगी और वो एक वो चली जाएगी तो शाम को आएगी, 24 घंटे के लिए। हाँ, तो रात में कभी को बंद रहा था मान लीजिए जी। तो डॉक्टर्स वगैरह क्यों नहीं है, इसके बारे में क्या जानकारी? इस जानकारी तो नहीं है साहब, मान ली डॉक्टर ज्वाइन है लेकिन आमा ही नहीं, ज्वाइन है आदेश हफ्ता में एक आध दो दिन ना कहीं नहीं आमा, एक को दिन हफ्ता में। तो शिकायत वगैरह जो है तो किसी से आप लोगों ने की, या सांसद वगैरह कभी आई तो आप लोगों ने उनसे बोला? नहीं को भाई, अब वह कहाँ भेंकेंगे सांसद, कोई मतलब नहीं जब पुनः चुनाव आई रहा, देखी ना पानी नहीं आए। हाँ, अभी पानी की बात करा था, रहता ये टंकी जो बनी है तो चलते नहीं, बनी तो है, वादा किए हैं पूरा नहीं किए हैं, इसलिए इस बार कुमार सिंह को बाहर किया जाएगा। हाँ हाँ, ये तो धमहनी विधानसभा के है ना, तो ये तो धमहनी ना है, रीति पाठक है, सांसद सांसद तो रीति पाठक है, लेकिन विधायक में ये सीधी विधानसभा आती है या धमहनी आती है? सीधी आती है, सीधी में तो केदारनाथ शुक्ला है विधायक। हाँ, अब शिक्षकों के बारे में बात करब, जानी जान मेन शिक्षा के बारे में कौनो स्कूल हाई स्कूल ही नाव भर कर लागत नहीं है, वादे किए जाते हैं वो एक भी वादे आके सांसद लोग पूरा नहीं करते, जब चुनाव आता है तो भाषणबाजी भर करते हैं, केवल बस हो गया भाषणबाजी करके चले जाते हैं। इस गांव को गोद लेने से फायदा क्या हुआ, जनता को क्या हुआ? कुछ नहीं, रजिस्टर में फायदा है, हाँ पैसा कमानो खाओ, रजिस्टर में कुछ विकास हुआ है? रजिस्टर हम पंच कहा, रजिस्टर में क्या क्या हो गया? रजिस्टर में तो पूरी ये रोड बन गई, नाली बन गई हैं, और सब हर जगह पर डबरी बन गई, डबरी क्या है? वो पानी रोकने के लिए हैं, अब यहाँ पर तो बहुत वादाएं करके गए, हम लोग अगर शिकायत भी करते हैं तो कहते हैं भाई आपका तो आदर्श गांव हो चुका है, वहाँ पर तो कोई विकास बाकी नहीं है, तो हम कहाँ से वो करें? एक अगर हैंड पंप की मांग किया जाता है तो उसके लिए भी यही कहते हैं ये तो सांसद आदर्श गांव है, हैं? इसलिए कोई वो भी नहीं सुनते हैं। तो इस तरीके में तो ये गांव का जितना विकास होना चाहिए वो भी अवरुद्ध हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, इसलिए कि वही जब जाते हैं किसी अफसर के पास जाते हैं, किसी से कोई शिकायत करते हैं तो उसके संबंध में यही कह देते हैं कि भाई आपका आपके यहाँ तो पूरा हो चुका है, आपके आदर्श गांव है, आपका सांसद आदर्श गांव है, यहाँ पूरा काम हो चुका है, अब आप लोग शिकायत कर रहे हैं, हैं? तो सब तो मिलीभगत में सब काम हो गया, रजिस्टरों में काम हो गया, उस समय पर अनपढ़ महिला सरपंच थी, हैं? हो गया, उसको भी कुछ थोड़ा बहुत दिए लिए, और दोनों यहाँ ठेकेदार लोग आए अपना चिंदन छिटकर करके चले गए, सब ले दे के।